Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. तुझे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि समी का भाई जेल से निकल आया और अब वो इसे तलाश कर कर रहेगा और जिंदा नहीं छोड़ेगा। लड़की को किसी भी कीमत पर वापस गांव जाने की इजाजत ना देना वरना वो कत्ल हो जाएगी। वनी वो लड़की होती है जो खून बहा के तौर पे मकतूल के वारिस को पेश कर दी जाती है। मनी का निकाह मकतूल के करीबी तरीन खून के रिश्ते वाले से करा दिया जाता है। इसमें उम्र की कोई हद नहीं होती। लड़का अमीर है या गरीब है, किरदार का अच्छा है या बुरा है, इसकी भी कोई हद नहीं होती और ये नहीं देखा जाता। वह, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम मुक्का क्यों मारा है? बस वो रहीम यार खान वाला दोस्त है ना, उसने दिल जलाने वाले मैसेजेस भेजे। फेड़े मुंह है यार ये रहीम यार वाले और इनके दिल जलाने वाले मैसेज। सम्मी, मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी तुम, समझ आइए? क्यों? तुमसे बात कर रही हूं मैं। सुन रही हो? कत्ल हो जाओगी नहीं तो। यहां कौन कत्ल करेगा? भाई तुम्हारा। मेरा भाई मुझे कत्ल नहीं कर सकता। मौली जैसी जो बहने हैं ना, मरे जाओ तुम अपने भाइयों पे और वो कत्ल किए जाए तुम्हें गैरत के नाम पे। खुद खुदकुशी नहीं करते हैं बेगैरत। जेल पहुंच गया था तेरा भाई। जेल? क्या होता? रिलैक्स कर जा, छूट गया है। ममता से बड़ा दिल फट रहा है ना तेरा। शुक्र ही कहती है? एक दूंगी कान के नीचे। लानत है तुम्हारी जैसी बहनों के ऊपर। बगैर तो कभी अपना भी सोचा करो। बहनें भी इंसान होती हैं भाइयों की तरह। कुछ कहने का फायदा ही नहीं है इन लोगों को। बस घर से बाहर कदम ना निकालना तुम, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी। वीरे को पता ही कैसे चलेगा कि मैं यहाँ हूँ? साइंसदान होना चाहिए बंदे को ये बात समझने के लिए। राशिद चंद को तो पता है ना, जिसने भेजा है तुझे यहाँ। जान पे बनाई है उसके। सच उगल दिया ना तो मारी जाएगी तू, वो भी अपने प्यारे प्यारे भाई के हाथों से। अब समझ आई पूरी बात। समझ गए अब आप? हाँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। अब एक बात कान खोल के सुन लें, इस घर में सम्मी नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। बिल्कुल नहीं रहती। थैंक यू। थैंक यू। दफा करो यार, भूखी मर गई है मेरी तो सारी। चलो मुझे आशी के घर छोड़ के आज टाइम मिला मैं मिल लूं उससे। चलो छोड़ के आओ, उठाओ ये सारा कुछ। ओह मॉम यू आर ग्रेट। शट अप। इस फाइल में ऐसा क्या है जो इतने गौर से देख रहे हैं? मुझे कुछ बताएंगे अभी या नहीं? लो तो जा। सोच रहा हूं कि अगर इस फाइल में कुछ अपने हक से तब्दीलियां कर दूं तो कोई मसला तो नहीं बढ़ना ना। और मुझे पता होता ना कि अब्बा मेरे साथ ये करके जाएगा, उसकी जिंदगी नहीं मकान और सब अपने ना करा लेना था मैं। किसके मकान की बात हो रही है अब्बा जी? और कुछ नहीं पुत्र, और तेरे दादे का एक टुटा बज्जा मकान था, बस तेरी माँ से उसका जिक्र कर रहा था। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं अब्बा जी? और नहीं पुत्र, और तुझसे क्या छुपाना है मैंने? तो ये क्या है? और ये सरकारी फाइल है। तो मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? कहीं शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। क्या हुआ मिजी? संभाल अपने आप को, खड़ा मुंह क्या देख रहा है? छेती से पानी लेके आ मां के लिए जा। हाय अल्लाह मैं मर गई। आ जा छेती। ओ अल्लाह, हाय हाय मां, हां हां हां।
राशिद जी अम्मा जी मैं सुती नहीं जागनी है आ इधर जरूरी गल करनी तेरे नाल बेहतर पुत्र बे राशिद जी मां आले आ तेरा फोन कल जाके चौधरी साहब नूं दई उन्हां नूं कहीं के तू उन्हां नूं गलती नाल मेरा फोन दे दिता सी ते मैं ते नाराज हो रही हां ते ओ फोन तैन वापस कर दन चौधरी साहब नूं तेरे ते शक हो गया तैन पता तेरे मामे दा कतल क्यों होया सी ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਡਾਢੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਦਰਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਚਦਰਾਨੀ ਪਰਾਈ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਵਫਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਏ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨ ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਰਾਸ਼ਿਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਗਈ ਜਾਨੋ ਚੁਦਰਾਨੀ ਵੀ ਗਈ ਜਾਨੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾਨੋ ਜਾ ਸੌ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਲਈਏ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹੋ ਸੰਮੀ ਕੋ ਮੁਰਦਾ ਲਿਆਇਆ ਤੂੰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸੇ ਤੁਝ ਪੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਉਹ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਔਰ ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਝਸੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੂਨੇ ਚਲਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹਤੀ ਥੀ ਤੂਨੇ ਤੋ ਮੁਝੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਦਿਆ ਔਰ ਖੁਦ ਚਲਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ
देख मेरी तरफ, राशिद देख मेरी तरफ, मेरी तरफ देख। मरण जोगा बना दिए तूने मुझे और खुद चले दूसरी शादी करने। पहले मुझे मेरा सेहतमंद जिस्म वापस लौटा, मेरे जिस्म की एक एक तकलीफ का हिसाब बराबर कर, मेरे खून का एक एक कतरा गिन जिससे तूने बच्चे बनाए, जिंदा या मुर्दा। लौटा मुझे मेरा खून, फिर जाके दूसरी शादी कर। मेरी जवानी चूस लिए तूने, वक्त से पहले मुझे बूढ़ा कर दिया है और खुद चला है जवान से मन बीवी लाने के लिए। तू दूसरी शादी कैसे करेगा राशिद, कैसे कर सकता है? तू कैसे दूसरी शादी करेगा? मैं शादी करने के लिए जा रही हूँ, मैंने सोचा आपको बता दूँ। आपके मकान की छत के नीचे मेरे लिए कोई जगह नहीं रही, अब्बा काश एक छोटी सी छत आपने मेरे लिए छोड़ी होती जिसके नीचे मैं पनाह ले सकती। छत की जरूरत तो बेटियों को होती है ना, फिर आपने पूरी की पूरी छत बेटे को कैसे दे? अल्लाह ने कोई तो हक रखा होगा बेटियों का, फिर आपने मेरी हक तलफी कैसे की? अब्बा आपने मेरी हक तलफी कैसे की? अगर दादा ने आपके नाम पर कुछ नहीं छोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी विरासत और हक खत्म हो गया। इसका कोई ना कोई कानूनी रास्ता जरूर होगा। मैं दीन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, मगर मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ने आपकी हक तलफी की इजाजत किसी को नहीं दी होगी। तुम क्या कहना चाह रहे हो आलियान? अब यूं मरे हुओं के शिकवा करने से क्या होगा, कम से कम अपने हक के बारे में तो जानिए। क्या चाहते हो तुम? मैं अपने भाई पर मुकदमा नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा हरियान। अगर आपके अब्बा ने आपके नाम पर कुछ नहीं छोड़ा तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका हक हर चीज पे से खत्म हो गया? कम से कम इस घर पे तो आपका कोई कानूनी और शरई हक है, उसी की खबर ले। तुम हो ना मेरे हिस्से का हक। अच्छा ये बताओ, वो तुमने जाना था ना वो चौधरी के घर उसके बच्चे की ट्यूशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, क्या बना तुम्हारा? हाँ वो मैं कल जाऊंगा। देखो चौधरी से बहुत ढेर सारे पैसे लेना, फिर आधे तुम्हारे और आधे मेरे। वादा? पक्का वादा? पक्का वादा। सुन मेरी फरियाद, मैं सम्मी धी अपने मां प्यो दी, बहन अपने वीरे दी, मुझे मेरा सब वापस दिला दे। यार अब्बा मैं वन्नी नहीं होना था, मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे जालिमों के हवाले ना कर रब्बा, नहीं तो बस मुझे अपने पास बुला ले।
मुझे नहीं जीना रब्बा, मुझे नहीं जीना। क्या हो गया तुम्हें? अपनी मर्जी से कोई नहीं मरता है, और ना मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ूंगा। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपना हक समझो, अपना हक इस्तेमाल करो, जीने का हक, सांस लेने का हक। कहो ये जिंदगी मेरी है, ये जिंदगी मेरी है, कहो। मैं तो राशिद का फोन जेब में रख के भूल ही गया। पता नहीं कैसे खुलता है ये, पता तो चले मैसेज कैसे खुलते हैं इसके। इतने पैसे कमाता है मुझसे, लेकिन डांग का फोन ही रखा, सारे पैसे अपनी बुड्ढी को दे देता है, पागल ना। पता तो चले किस किस को फोन करता है, किसके फोन आते हैं इसको। लो जी खुल गया। माँ का फोन लेके फिर रहा है, अम्मा जरीना भी ढूंढ रही होगी, पागल यार। छड़ो ना जॉय सर, नाश्ता करो तुसी। आ जाओ। सलाम जॉय साहब। सलाम बीजी। जॉय साहब मास्टर जी आए हैं, छोटे जॉय साहब के ट्यूशन वाले, बाहर बैठक में बिठा दिए कर्मों ने। हाँ ठीक है, को बोलो कि चाय शाय उसको पिलाए, बोलो कि इंतजार करे मेरा। वो जी कह रहे हैं उन्हें जल्दी है। और इंतजार करे, जल्दी है का बच्चा, इंतजार नहीं कर सकता तो दफा हो जाए। चार जमातें क्या पड़ जाते हैं, उनके दिमाग आसमान पे पहुंच जाते हैं। जॉय साहब अच्छा टीचर है, ऐनो वाकई चला जाए। सुधरान जी इंतजार कराते हैं लोगों को, उड़ीकन दे उन्हों, जितना इंतजार करेगा ना उसे पता लगेगा कि कितने बड़े आदमी से मिलने आया है। लगता है तुम दोनों एक ही ख्वाब में फंस गए हो। सचमुच तो कोई ख्वाब आप नहीं देखने लग गए, मतलब वो वाले ख्वाब जो दिन दहाड़े नजर आते हैं, काम वाम करते, खाते पीते, नाश्ता करते। जी तुम तो एक बात कान खोल कर सुन लो और सबक की तरह रट लो।
ये जो दिन दहाड़े ख्वाब देखने का चक्कर होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है, वनी होने से भी ज्यादा खतरनाक। समझा रही हूं मैं तुम्हें, ये जो दिन दहाड़े रंगीन ख्वाब देखने का मामला होता है ना, यही एक दिन बंदे को वनी कराता है। वनी भी वो जिसे चौराहे पे पत्थर मारे जाते हैं, आधी जमीन में गाड़ दी जाती है ख्वाब देखने वाली वनी। आप नाश्ता करें मॉम, ये सबक बाद में भी पढ़ाया जा सकता है। चुप कर, सबक उसी वक्त पढ़ाया जाता है जब चोर के हाथ अभी चोरी में फंसे हो। चोरी हो चुकने के बाद क्या फायदा? मैंने कोई चोरी नहीं की। चुप कर। ये रंगीन ख्वाब अपने हाथों से तोड़ना सीखो। और एक बात और, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी है। इस घर में जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ मेरा है। जैसे ये मेज, जैसे वो कुर्सी जिस पर तुम बैठी हो, जैसे कि मैं, जैसे कि ये, जैसे कि ये कप, तुम इस घर की हर चीज इस्तेमाल नहीं कर सकती। उस कुर्सी पर तो तुम बैठ सकती हो, मगर मेरे कप से चाय नहीं पी सकती। तुम मेरी पनाह में हो, इसकी पनाह में नहीं हो। समझ आई? जी। गुड, वेरी गुड। मगर भाई तुम देहाती लोगों को बात समझाने में बड़ा टाइम लग जाता है, बट चलो ठीक है, बात समझ आनी चाहिए। चलो उठो, काम पे चलो, आखिर में ये काम धंधा ही आएगा तुम्हारे काम। चलो ना, तो अब आप भी अपने काम धंधे की कोई खबर ले लें। दफ्तर नहीं जाना आज आपने, 11 बज रहे हैं। हाँ यार, मैं भूल ही गया, ये वो HR के साथ मीटिंग। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं, वो अपने पेट में आग ही भर रहे हैं और अनकरीब वो दोजख में जाएंगे। इससे अगली आयत सूरह निसा के 11 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियाँ ही हों और दो से ज़्यादा हों तो उन्हें मरने वाले के माल में से दो तिहाई हिस्सा मिलेगा, और अगर एक ही लड़की हो उसका आधा हिस्सा है। बस बेटा, इन्हीं आयतों का तर्जुमा मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अब आप इसे फतवा समझें या अल्लाह का हुक्म, बस एक ही बात है। चांदी, समी ने मैनी पेडिक्योर क्यों छोड़ दिया? हम उसके मैनी पेडिक्योर को बहुत मिस करते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से सम्मी का प्रमोशन हो गया है, अब ये मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करती। जाहिर है डिजर्व करती है, देखना एक दिन बहुत बड़ी ब्यूटीशियन बनेगी। चांदी, मुझे लगता है सम्मी एक दिन तुम्हारी जगह ना ले ले। सॉरी, इट्स ओके। सम्मी, आज नहीं ना किया किसी का पेडिक्योर? शाबाश, पेडिक्योर का सामान लेकर। कैसा रहा बुशरा, रिलैक्स हो गई ना? अब सब काम पैसे के लिए तो नहीं ना होते, ताल्लुकात भी तो कोई चीज होती है ना भाई, और कुछ काम कराने भी पड़ते हैं सबक याद कराने के लिए।
ये रख लो। ये तो बहुत ज्यादा है। मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। मैं सिर्फ उतने ही पैसे लेती हूँ जितनी मेरी हैसियत। अच्छा ये तो रख लो। अच्छा मास्टर, पहले ये तो बताओ कि तुम खुद क्या पढ़े हुए हो? मैं अभी पढ़ रहा हूँ चौहान साहब, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा हूँ। अभी पढ़ ही रहे हो? जी मेरा आखिरी साल है। अच्छा अच्छा, आखिरी साल है। और अंग्रेजी लिख पढ़ तो लेते हो ना? कोशिश कर रहा हूँ चौहान साहब। मतलब अभी तक अंग्रेजी लिखने पढ़ने की कोशिश ही करते हो? और नहीं है, मुझे तो ऐसा टीचर चाहिए जो अंग्रेज से बेहतर अंग्रेजी बोल सके। आप चाहें तो मेरा इम्तिहान ले सकते हैं चौहान साहब। इम्तिहान? मैंने तेरा इम्तिहान लिया ना, तू फेल हो जाएगा मास्टर। अरे मुझे ऐसा उस्ताद चाहिए अपने बेटे के लिए जो उसको फर फर अंग्रेजी सिखा दे। जी मैं कोशिश करूँगा। साथ साथ दूसरे मजमून भी पढ़ा लेते हो? जी हाँ। और एक और बात का भी ख्याल रखना। जी फरमाइए। तो मेरा बच्चा जो है ना, उसको बच्चा नहीं समझना, उसको नाम लेके नहीं पुकारना। हमारे मुलाजिम वगैरह भी उसका नाम नहीं लेते, उसको छोटे चौधरी जी कहते हैं। जी हाँ। एक और बात, उसको पढ़ाना जरूर और डांटना मत, और हाथ तो बिल्कुल नहीं उठाना। हाथ उठाया तो हाथ बाकी नहीं रहेगा तुम्हारा। जी बेहतर चौहान साहब। एक बात ये भी है कि अगर उसका मूड ना हो ना, तो थोड़ा इंतजार कर लेना, और जब मूड बन जाए तो फिर पढ़ाना। वो तो दरअसल बात ये है कि हमारे छोटे चौधरी साहब जरा बकरी टाइप के हैं, तो मैं उसे हवेली की अंदर वाली बैठक में पढ़ाना होगा, ताकि वो मेरी या चंद्रायन जी की आंखों के सामने पढ़े। ठीक है चौधरी साहब। अब आगे बताओ, ये सब मंजूर है? और तुझे पैसे से मतलब है ना मास्टर? वो तुझे तेरी मर्जी के मिल जाएंगे, लेकिन फिर मुझे अपना पुत्र क्लास में पहले नंबर पे चाहिए। ट्यूशन के बाद भी दूसरी तीसरी पोजीशन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तू देख ले मास्टर, वैसे मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ठीक है चौहान साहब, मुझे मंजूर है। शेब, छोटे चौधरी साहब इधर तो आओ। उधर ये तुम्हारे मास्टर जी हैं, किताबें लेके आओ अंदर से, वो पढ़ाने आए। अबा मेरा आज मूड नहीं है पढ़ने का। अब मूड नहीं है? चल कोई ना, कल से शुरू कर लेंगे। ठीक है मास्टर, आज छोटे चौधरी जी का मूड नहीं है, तो कल से पढ़ाई शुरू होगी। ठीक है चौहान साहब, मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है मास्टर, कल से फिर। तो तेरे पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई ये काम करने से पहले? ये कुछ शरीफ औरतों के काम होते हैं कि मौलवियों से फतवे लेती फिरे, बेशरम बेगैरत। तो भाईजान मैं और किससे जाके पूछती कि मेरा हक अल्लाह के पास क्या बनता है? और पूछना है तो मुझसे पूछ, मौलवी से नहीं। वो मौलवी नहीं था, मैं जिनके पास गई थी वो बहुत बड़े आलम दीन है। और ना मेरा मैं वो आलम दीन तेरा, ना बंदा उससे पूछे। उससे क्या जरूरत है? ना मेरा औरतों को बिठा के फतवे सुनाता फिर रहा है, उसे नहीं पता कुफर होता है कुफर, ना महरम औरत से गल भी करना।
हाथ धो गई। बड़ी आई मुझे फतवे दिखाने आ रही, तुझे तो शर्म आई नहीं और मुझे शर्म आ गई। और इधर दे मुझे और मैं उसको आग लगा के साड़ूंगा। दे मुझे इधर। इस कागज को आप जला भी देंगे अब्बा जी तो भी अल्लाह का हुक्म मिटेगा नहीं, कयामत तक आपका पीछा करता रहेगा अल्लाह का वो हर हुक्म। आई है पुत्र, तू अपने अब्बा जी से बदतमीजी कर रहे, वो भी एक मामूली सी गल के लिए। मैं अपने बाप को दोज़ख की आग से बचा रहा हूँ अम्मी जी। और ना वो चार जमात पढ़ के मौलवी साहब आलम दीन बन गए हो। नहीं अब्बा जी, मैं इंसान हूँ और अल्लाह पर ईमान रखता हूँ और ये भी यकीन रखता हूँ कि उसने किसी को किसी की हक तलफी की इजाजत नहीं दी होगी। वो जो कहता है ना कि मैं कहार हूँ और जब्बार हूँ, उसने मजलूमों का साथ देने के लिए जालमों को कहा होगा। ना इस्लाम सिखाएगा प्यो को, हैं? काफर हूँ मैं। मजलूमों का हक खा जाना भी तो कुफर है ना अब्बा जी। और बस कर बस, और तुझसे ज्यादा नमाजी परहेजगार हूँ। और माँ बैठी है पूछ ले उससे, और बकायदा जुम्मे के जुम्मे मस्जिद जाके नमाज पढ़ता हूँ। नमाजें तो उसकी हैं अब्बा जी, शायद कोई माफी तलाफी भी हो जाए, उसे परवाह नहीं है हमारी नमाजों की। पर मेरा दिल ये नहीं मानता अब्बा जी कि वो मजलूमों का हक मारने की आसानी से माफी दे दे। अल्लाह है वो, बंदा तो नहीं। जिस तरह मेरी ताबेदारी आपका हक है अब्बा जी, उस तरह आपकी विरासत आपकी बहन का भी हक है। क्या आप अपना हक छोड़ देंगे? सुना तूने, कलेजे को ठंड पड़ जानी चाहिए, तेरी जबान बोल के गया मेरा पुत्र। मैं भी देखता हूं तू तो किस तरह मुझे दो दोज़ख में पहुंचाती है। हो गया तस्वीर शुरू। क्या सोच रहे हो? ओ भाई, हेलो, किधर? Found in these waters, and you can even find Arctic. जी, तुम आज नौकरी का ऑफर लेटर लेने नहीं गए थे? हाँ, गया था। तो क्या हुआ, इनकार कर दिया उन्होंने? नहीं तो, ऑफर लेटर तो आ गया है, कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। हैं? तो बताया नहीं? भूल गया था, सॉरी। भूल गए? इतनी बड़ी बात बताना भूल गया? ओ भाई, किस दुनिया में हो? नौकरी पसंद नहीं आई? नहीं, टीवी देख रहा हूं। क्या देख रहे हो टीवी पे इतनी देर से? अलग अलग चैनल पे, कभी न्यूज चैनल पे, कभी ड्रामो वाले चैनल पे, क्या ढूंढ रहे हो भाई? जब बंदा खुद ड्रामा बन जाता है ना बबलू मियां, फिर उसकी नजर किसी और ड्रामे पर नहीं टिकती। मैं तो कहती हूं भाई कि ड्रामा देखो मत, बनाओ। सम्मी, ओ सम्मी। जी। आ जाओ भाई, आओ जरा मेरे पैर का मसाज तो कर दो, टिप भी दूंगी आज तुम्हें मैं।
कितने टिप लेती हो तुम? 100 रुपए ना? दा, 100 रुपए निकाल। निकालो 100 रुपए, वो उधार दे दो, गरीब लड़की का भला हो जाएगा। निकालो 100 रुपए कंजूस आदमी, 100 रुपए नहीं निकल रहे तुमसे। अपने हाथ से दे दो शाबाश। जग खेडता फिरे मेरे ना।